नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। रैड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ शुरू होने वाली है और इसको लेकर सभी कॉलेज ने अपने अपने तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में और इस कॉलेज के प्रिंसिपल श्री जसविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, इन्होंने 2018-19 के सेशन के लिए क्या तैयारियां कर रखी है इसके बारे में इन्हीं से जानते हैं। सर, रेड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत खालसा कॉलेज को कवरेज देने के लिए। सर, क्या तैयारी है अभी नए सेशन के लिए? सर देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है और 15 मई से श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। और हम जैसे हर साल पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं काउंसलिंग के लिए, हम स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, जो हमारे पास कोर्सेज हैं खालसा कॉलेज में, जिस तरीके से बीकॉम ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, साइंसेस के बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं, फिजिक्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, लाइफ साइंसेस के इसी तरीके से बॉटनी जूलॉजी के कोर्सेज हैं और बहुत सारे सोशल साइंसेस में कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, जिनका जो है हम हर सब्जेक्ट वाइज काउंसलर्स बनाते हैं और टीचर्स को, जो सीनियर टीचर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है जब विद्यार्थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या खालसा कॉलेज में आएँ तो उनका पूरा जो है सब्जेक्ट की डिटेल के उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या उनको कोर्सेज उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनके जो उनकी कैरियर चॉइस है उसके मुताबिक जो है उनको कोर्सेज देने की जो है वो कोशिश की जाती है। सर, जो स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचते हैं या फिर जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, उन तक सूचना पहुँचे, सही सूचना पहुँचे, इसको लेकर के क्या तैयारी? देखिए, ये एक तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, खालसा कॉलेज के विद्यार्थियों और टीचरों की तरफ से, कि आप इतना बड़ा प्रयास कर रहे हो कि इसको रिकॉर्ड करके आप विद्यार्थियों तक पहुँचाओगे। सोशल मीडिया, टीवी और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट और कॉलेज की वेबसाइट्स हैं, ये सब जो माध्यम है वो बच्चों को हम उपलब्ध करवाते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कॉलेज के बारे में, कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ उनकी प्लेसमेंट की हम कोशिश करते हैं, कॉलेज का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में क्या हमारा रैंक है, हमारी नैक एक्रेडिटेशन क्या है, और जो टीचर्स हैं कि टीचर्स का क्या क्या उनका स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्ट जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो किस किस एरियाज़ में है, ये पूर्ण जो जानकारी है, सूचना जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उपलब्ध है। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत खालसा कॉलेज एक बहुत ही नामी और बड़ा कॉलेज है, तो यहाँ सीटों को लेकर के जो होता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, आप जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको किस तरह से बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना कट ऑफ जाने का अनुमान है, ऐसे लेकर कुछ जानकारी देते हैं? देखिए, ये आपने एक बहुत बेसिक जो है मुद्दा आपने छेड़ा है, क्योंकि जो पॉपुलर कोर्सेज हैं उनमें आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया कि वहाँ बहुत मारामारी रहती है चॉइस करने की, मगर मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एक कंप्लीट यूनिट है, जिसमें तकरीबन हमारे 62 कॉलेजेस में साइंसेस और बाकी किस्म के जो है कोर्सेज हैं वो सिमिलर कोर्सेज दिए जाते हैं। हो सकता है कुछ कॉलेजेस में ना भी हों, मगर बाई एंड लार्ज सभी कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी कॉलेजेस में टीचर्स की कैटेगरी वो सेम रहती है। उनको जो है वो अपनी कैरियर चॉइस करनी है कि उन्होंने कौन से विषय में अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, और उसी मुताबिक ही वो कॉलेजेस जो अपनी, जैसे हमारी लास्ट ईयर की, पहले 2 साल की भी जो है, पिछले 3 साल की हमारी कट ऑफ्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो विद्यार्थियों को एक ब्रॉडली अंदाज़ा हो जाता है कि इस कॉलेज में तकरीबन एक मार्जिनल सी जो है वो इंक्रीज होती है। बाई एंड लार्ज बच्चों को उस कट ऑफ में एडमिशन मिल जाता है, मगर हायर कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरे बच्चे बहुत कम हैं, बल्कि कई बार हमें ये देखने में आया जो लिबरल आर्ट्स है, जैसे कोई म्यूज़िक है या जर्नलिज्म का कोर्स है
या हमारे पास जो है वो लेस पॉपुलर कोर्सेज हैं, हिंदी ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, इन कोर्सेज में भी बच्चे कई बार बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करते हैं, स्पेशली मीडिया रिलेटेड कोर्सेज, डिप्लोमेसी, सिविल सर्विसेज के लिए ये कोर्सेज उनको एक ज़्यादा ब्रॉड विजन देते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेचुरली एडमिशन तो मेरिट के बेस पे होगा, मगर जो बच्चे रह भी जाते हैं, हमारे पास स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है जिसमें हम कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में उनका एडमिशन करते हैं, और वो बच्चे जिनको रेगुलर किसी कॉलेज में एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी दिल्ली के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एजुकेशन सिटी आपने देखा सोनीपत में है, नोएडा में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, इसी तरीके से गुड़गांव के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है जिसके एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, तो इन कॉलेजेस में सिमिलर कोर्सेज उनको मिल सकते हैं। हाँ, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग भी है, स्टैंडर्ड भी है टीचिंग का, और एक रेगुलर विधिवत तरीके से जो है जो यहाँ हमारे कोर्सेज का अध्ययन होता है वो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं कह सकता हूँ। सर, बात करें सब्जेक्ट की, तो यहाँ का आपके कॉलेज का सबसे लोकप्रिय सब्जेक्ट कौन है, किस में सबसे ज़्यादा डिमांड होता है? ये हमारे पास अभी तक तो जो है टिल लास्ट ईयर वो कॉमर्स ऑनर रहा है, मगर अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, ये दो ऐसे कोर्सेज हैं, इसके अलावा इंग्लिश ऑनर्स भी जो ज़्यादा कोर्सेज पॉपुलर हैं। सर, जाहिर है कि इकोनॉमिक्स का ऑनर्स और कॉमर्स की और इंग्लिश की आपने बात की, तो क्या जो स्टूडेंट्स यहाँ से करते हैं तो उनका प्लेसमेंट का कुछ मतलब होता है? हाँ, हम जो है जैसे बच्चे जो लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन में होते हैं उनका क्लास वाइज प्रोफाइल बना के एक कोशिश की जाती है कि कॉरपोरेट सेक्टर में, मीडिया में, स्पेशली जो पंजाबी ऑनर्स के बच्चे हैं वो बहुत सारे हमारे मीडिया चैनल्स ना सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी हैं, तकरीबन 8-10 कंट्रीज़ में जो है वो पंजाबी मीडिया की चैनल्स हैं जो कि उनका बेस वहाँ है, तो वो लोग हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को हम ड्यूरिंग ये 3 साल के दौरान इनको इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाए कि वो कैमरा को और वो उनकी जो ओरिएंटेशन है अपने काम करने की वो एक मीडिया की ओरिएंटेशन से दी जाए। कॉरपोरेट सेक्टर में जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एरियाज़ में होते हैं, अकाउंटिंग में जैसे आइंस्टाइन यंग है, KPMG और प्राइस वाटर हाउस में भी बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं, इन सभी में कोशिश ये होती है कि बच्चों की चॉइस के मुताबिक, उनकी ओरिएंटेशन के मुताबिक उनको कॉरपोरेट ट्रेनिंग दी जाए, उनको उस किस्म के कोर्सेज दिए जाएं ताकि जब वो प्लेसमेंट के लिए जाएं तो उनको एक बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली एक एडेड एडवांटेज मिले। सर, मेरी जानकारी के मुताबिक खालसा कॉलेज एक माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पे बच्चों को जो अल्पसंख्यक बच्चों हैं उनको किस तरह की सुविधाएं मिलती है या किस तरह से प्रायोरिटी दी जाती है उनको? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 2 साल से खालसा कॉलेज माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को एडमिट कर रहा है, जो कि 50% सीट्स हमारी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। ये इसलिए भी है कि क्योंकि खालसा कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा है, और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की है, लो स्किल लेवल्स के इनके पेरेंट्स होते हैं, उनका इनकम लेवल भी बहुत कम होता है और उनका जो एजुकेशनली जो है वो बहुत पिछड़े हुए बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बेहतर एजुकेशन देने का ये प्रयास है मैनेजमेंट की तरफ से। और इसके साथ साथ हम उन बच्चों के लिए जो कम्युनिकेशन कोर्सेज हैं, स्पेशली उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग राइटिंग स्किल्स हैं, उनकी स्पीकिंग स्किल्स हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनके ऊपर हम एम्फेसिस देते हैं, और साथ ही साथ जो हाई एंड कोर्सेज हैं जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स या कॉमर्स ऑनर्स, इसमें भी बच्चों की अगर हम ये देखते हैं, वो चाहे कोई भी बच्चा हो माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी का, जो भी बच्चा लैग बिहाइंड करता है टीचर्स उनको स्पेशल अटेंशन देते हैं और उनकी स्पेशल क्लासेस भी लगाई जाती हैं। बात करें खालसा कॉलेज की सर, तो खालसा कॉलेज DU के दूसरे कॉलेजों से कैसे अलग है? देखिए, खालसा कॉलेज एक किस्म से नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट इमर्ज हो रहा है। खालसा कॉलेज ही पूरे देश में एक ऐसा कॉलेज है जिसमें
मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने डायरेक्टली जो है हमें गुरु अंगद देव टीचिंग लर्निंग सेंटर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग पे दिया हुआ है। अभी अभी जो है खालसा कॉलेज की जो कंट्रीब्यूशन हमने स्वयं पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे 63 में से 43 42 जो कोर्सेज हैं वो खालसा कॉलेज के लगे हुए हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। पूरे देश में अगर हम कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ी ये कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा अभी जो है हम फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम जो कि यूजीसी की एक प्री कंडीशन है नई नोटिफिकेशन में कि जो भी टीचर्स आएंगे टीचिंग प्रोफेशन में उनको एक साल के बीच बीच अपना इंडक्शन प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ने हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हुए कंटेंट और टीचर्स ट्रेनिंग के पोटेंशियल देखते हुए हमें जो है वो एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का के लिए भी परमिशन दी है जो हम टीचिंग लर्निंग सेंटर पे चला रहे हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में जो है वो हमें नेशनल रिसोर्स सेंटर मिला है और केमिस्ट्री में पूरे देश में हम एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करेंगे और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट उस सब्जेक्ट में होंगी वो एक्सपर्ट्स को लेके उनके ऊपर प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे जो स्वयं जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का एजुकेशन मिनिस्ट्री का उसके ऊपर वो चलाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही कॉलेज लेवल पे जो है वो एक स्पेशल खालसा कॉलेज को रिकग्नाइज किया गया है। हम जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर IITs और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस इन सब के साथ हमारा नेशनली जो है वो क्लब्ड हमें क्लब किया गया है हमारे पोटेंशियल को हमारे रिसर्च को और हमारे जो है वो टीचिंग ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स को देखते हुए। सर बात करें फी स्ट्रक्चर की तो क्या लो बजट मिडिल क्लास का क्लास के फैमिली के बच्चे एडमिशन लेने में यहाँ सक्षम है? देखिए ऐसा है कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बहुत ही हाईली सब्सिडाइज फीस स्ट्रक्चर है। अगर खालसा कॉलेज की बात करें तो 70,000 से लेके 18,000 तक फीस हम डिफरेंट कोर्सेज में चार्ज करते हैं और ये जो बच्चे फीस दे के आते हैं उसके मुकाबले में बहुत कम होती है। इसके अलावा जो है जो बच्चा मान लो कि किसी के पास फीस देने लायक नहीं है तो हमने अपनी मैनेजमेंट की तरफ से जो हमारे एलुमनाई है जो हमारे बच्चे पहले रह चुके हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि वो फीस स्पॉन्सरशिप दें बच्चों के वो जो है वो स्कॉलरशिप फ़ी के फॉर्म में देते हैं। मान लो किसी बच्चे के पास फ़ी नहीं है तो हम खालसा कॉलेज उसका प्रोविज़न करता है और इसके बाद भी मान लो कि बच्चे ने फीस दे दिया उसको इस प्रावधान का नहीं मालूम था तो वो बाद में भी जाके जो है खालसा कॉलेज को एप्लीकेशन दे के हमारी एक स्पेशल स्टूडेंट्स वेलफेयर कमेटी है जो उसको असेस करती है और उसको फ़ी कंसेशन उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाता है। सर जो बच्चे गांव से आते हैं दूर दराज के इलाके से आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं आपके कॉलेज में? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली के बच्चे हैं वो तकरीबन 25% हैं तो तकरीबन जो 75% विद्यार्थी हमारे पास आते हैं वो बाहर से आते हैं और उनके रहने के लिए जो है वो दिल्ली वैसे तो एक बहुत मुझे लगता है कि एजुकेशन सिटी होने की वजह से ये एक बाहर वाले बच्चों के लिए काफ़ी फ्रेंडली सिटी है। नेशनल कैपिटल है बहुत सेंसिटिव मामला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस प्रोसेस में मदद भी करते हैं। इसके अलावा बच्चियों के लिए हमारे कॉलेज में तकरीबन 150 स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास उनका हॉस्टल है जो कि कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है बहुत सफाई और बाकी चीज़ों की हम जो हाइजीन और इन चीज़ों की बहुत खास इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और एक हरी सिंह नलवा जो कि 6th जर्नैल थे उनके नाम के ऊपर मैनेजमेंट जो है एक बॉयज़ का हॉस्टल भी 150 सीट का वो कंस्ट्रक्ट करने जा रही है। सर रैड नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी खालसा कॉलेज को कवरेज देने के लिए। तो ये थे खालसा कॉलेज की प्रिंसिपल जसविंदर सिंह जी। जैसा कि आपने सुना श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में न सिर्फ कई बेहतरीन कोर्सेज मौजूद हैं बल्कि इसको इन कोर्सेज की फ़ी भी बहुत कम है। अगर आप दाखिले की दौड़ में शामिल हैं तो आप बहुत ही आसानी से और कम फी स्ट्रक्चर में यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। योगेश चक्रवर्ती रैड नेटवर्क।
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।